भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनका काम ही बचा है सिर्फ झूठ बोलना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अरे कोरोना के समय लोगों ने देखा है किस तरीके का अच्छम नेतृत्व उत्तर प्रदेश के लोगों पर भारी पड़ गया, और अमित शाह जी झूठी तारीफ। अरे आप उत्तर प्रदेश के हालात देख लेते, आंकड़े कह रहे हैं आपके विभाग के एनसीआरबी के कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, महिलाओं के साथ जितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है उतना शायद ही कभी हुआ हो, और आप झूठी तारीफ पर झूठी तारीफ। उत्तर प्रदेश का जनमानस इस बात को जानता है, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी और श्री आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल करने का। सत्ता का इतना अहंकार कि नौजवानों को नौकरी मांगने पर धमकाना, उनको लाठियों से पिटवाना, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार, किसान लगातार धरने पर हैं, और अमित शाह जी झूठी तारीफ किए जा रहे हैं। अब ये झूठ चलने वाला नहीं है।